बिहार बोर्ड के छात्र ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट 11th में है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिनका 12th का एग्ज़ाम 2024 में पड़ेगा उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कितना पैसा लगता है, कैसा फॉर्म होता है, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सभी जानकारी यही एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आप सभी दोस्त भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं लेकिन 100% करेक्ट वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या नोटिस निकला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने नोटिस, जिस पर लिखा गया है दोस्तों 11वीं कक्षा कला एवं विज्ञान के छात्र ध्यान देंगे, ठीक है। पंजीयन हेतु संलग्न पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर एक नज़र डालते हैं। मैट्रिक का आपका अंक पत्र मतलब मार्कशीट लगेगा, एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स लगेगा, जाति लगता है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों, आपका आधार कार्ड लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक की छाया पत्र, जी हाँ दोस्तों पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, और 11वीं की नामांकन रसीद की छाया पत्र, जो अपने एडमिशन के समय नामांकन रसीद है वो लगेगा दोस्तों, ठीक है। और दिया गया है नोट में, पंजीयन पत्र कला के छात्र छात्रा कला के काउंटर, विज्ञान के छात्र छात्रा विज्ञान के काउंटर से प्राप्त करेंगे। दो में लिखा गया है छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर, क्या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड निश्चित रूप से देना है, नहीं देने पर उनका पंजीयन पत्र बोर्ड के पोर्टल पर स्वीकार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी छात्र छात्राएं स्वयं होगी। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड देना 100% अनिवार्य है, ठीक है। तीन नंबर में दिया गया एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी केवल एक ही प्रपत्र के लिए मान्य होगा, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक से अधिक प्रपत्र पर डाला जाएगा तो वह प्रपत्र बोर्ड के पोर्टल के लिए स्वतः रद्द हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन बार कार्ड बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर और स्वयं का ईमेल आईडी फॉर्म के साथ दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका पंजीयन पत्र कब से कब तक भरा जाएगा दोस्तों। ये रहा MJK कॉलेज का नोटिस, जिस पर लिखा गया है बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार 11वीं कक्षा के साइंस आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, उनका पंजीयन दिनांक 14/11 से लेकर 28/11/2022 तक, 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, समय की बात की जाए तो 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भरा जाएगा। कितने तारीख से कितने तारीख तक, तो 14 तारीख से लेकर 28 तारीख नवंबर में ही भरा जाएगा। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है दोस्तों। आइए जान लेते हैं किसके किसके पास जमा होगा, कौन कौन सब्जेक्ट का। वेरिफिकेशन के लिए अगर आप आर्ट्स के छात्र हैं, अगर आपका भूगोल है विषय है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर योगेश जी के पास, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जी के पास इतिहास विभाग के हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार दर्शन शास्त्र के हैं, वहीं डॉक्टर फकरे आलम उर्दू के हैं, डॉक्टर संजीव कुमार हिंदी विभाग के हैं दोस्तों। और बात कर जाए साइंस के, डॉक्टर गुरेंद्र सिंह गणित के हैं, डॉक्टर अविनाश कुमार केमिस्ट्री के हैं, डॉक्टर रणवीर कुमार गणित के हैं दोस्तों। वहीं सहायक शिक्षक विज्ञान के श्री राजू पासवान जी काउंटर नंबर 4 पे हैं, वहीं कला की बात करें तो श्री अभिजीत कुमार काउंटर नंबर 8 पर बैठेंगे। सभी काउंटर सहायक प्रतिदिन शाम के 4 बजे तक पंजीयन पत्र कंप्यूटर कक्ष के अंतर्गत करेंगे दोस्तों। वहीं बात की जाए पैसा की, तो बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो 540 रुपया, अदर 290 रुपया, टोटल 830 रुपया लगेगा। अगर आप अदर बोर्ड के हैं तो 540 रुपया रजिस्ट्रेशन का लगेगा ही, अदर में 490 रुपया, टोटल
1030 रुपया लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलेवंथ में दोस्तों, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट और इतना पैसा लगेगा, ठीक है दोस्तों, इतना लेकर चल जाइएगा। 14 से 28 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और कोई जानकारी आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, कोई और अपडेट आता है तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम।